हरियाणा के 10 के 10 जो लोकसभा के क्षेत्र के आप चुनाव का आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रभारी जी आज इसका विधिवत रूप से उद्घाटन कर रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, जो आपकी सरकार ने काम किए हैं, कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारे वर्तमान के सांसद संजय भाटिया, उनका एक जोरदार कार्यकर्ताओं में आम जन के अंदर जो एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है, ये आपकी नीतियों का परिणाम है। मैं पिछले 10 वर्षों के अंदर जो जो योजनाएं चलाई हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, रोटावेटर पर 50% सब्सिडी, किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए, जिंदल कंपनी कैथल, आपने उनको 100 का 125 करके गरीब तक दूर दराज लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा के अंदर भी अगर एक गुड गवर्नेंस का उदाहरण पूरे देश के अंदर अगर हम देखें तो हरियाणा के अंदर जो गुड गवर्नेंस आपने दी है, अंतिम व्यक्ति तक जो योजना का लाभ पहुंचा है, उसका उदाहरण हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों के अंदर दुनिया के हमारे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, आज मुझे गर्व से मैं इस बात को कह सकता हूं कि मेरी माता बहन को आज सर के ऊपर मटका लाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सरकार ने, जो दोनों सरकारों ने जो योजनाएं चलाई हैं, उसके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का जो निर्णय लिया है, आज मेरी माताओं बहनों को उसका लाभ मिल रहा है। आज मेरे किसानों को जो आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, 1000 रुपया उसके खाते के अंदर 1 साल के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार लगातार कर रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो 10 वर्षों के अंदर आपकी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से जो किसानों को सुरक्षित किया है और किसानों को मजबूत करने का काम किया है, 11,000 करोड़ रुपया आपने अगर उनकी फसल का खराबा हुआ है उनके खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। ये बहुत सारी योजनाएं और उसका परिणाम है कि आज हरियाणा के 10 के 10 लोकसभा के जो कार्यालयों का उद्घाटन हो रहा है, आज कार्यकर्ताओं के अंदर मैं देख रहा हूँ हर जिला हर लोकसभा के ऊपर कार्यकर्ताओं का एक उत्साह हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि आपकी सरकार ने आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का जो काम किया है, आने वाले इस 2024 के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने आज ये संकल्प लिया है, आज इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के ऊपर ये पूरा का पूरा कार्यकर्ता कि 10 की 10 लोकसभा के सीटों को नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचा करके तीसरी बार आपके नेतृत्व के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा करेगा। वैसे तो कहते हैं कि जब आचार संहिता लगती है उस दिन चुनावी बिगुल बजा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज जब हमने लोकसभा के कार्यालयों का उद्घाटन हमने सब कर रहे हैं तो एक प्रकार का चुनावी बिगुल आज बज गया है। और जब चुनावी बिगुल बजता है तो उसके बाद हम सबके लिए, चाहे कोई कार्यकर्ता गली मोहल्ले का हो, बूथ का हो, अथवा प्रदेश और केंद्र स्तर के हमारे नेता कार्यकर्ता हो, उन सब के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, टारगेट अपना सामने है, एकदम स्पष्ट लक्ष्य, कहीं उसमें दुविधा नहीं है। क्योंकि हम लगातार पिछले 2 चुनाव से अपने पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र के अंदर देश भर के लोगों के सहायता से सहयोग से बना रहे हैं, उसमें और आगे बढ़ने का हमारा लक्ष्य, अब कोई 400 सीटें कहेगा, कोई कम ज्यादा कहेगा, लेकिन हरियाणा के लिए तय है कि पिछली बार भी हमने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, इस बार भी हमारा टारगेट 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का है और पहले से अधिक बहुमत से जीतने का हमारा है।
इस समय मैं एक बात जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे 10 सांसद जो थे उनमें अपने इस क्षेत्र के सांसद स्वर्गीय श्री रतनलाल जी कटारिया हमारे बीच में नहीं हैं। मैं निश्चित रूप से आज के दिन उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। हमारे 10 के 10 सांसद जो मार्जिन पिछली बार था उससे ज्यादा मार्जिन से कैसे हम जीत सकते हैं, और उस मार्जिन में भी एक रिकॉर्ड पिछली बार हमारा बना था। देश भर की सब लोकसभा सीटों में जो सबसे ज्यादा मार्जिन की सीट थी वो तो गुजरात की थी, और उसके बाद दूसरी कहीं सबसे ज्यादा मार्जिन की सीट थी तो अपनी करनाल की लोकसभा सीट थी, जहां हमने कई लाख वोटों से और वो सीट जीती थी। तो मित्रों, ये सब चीजें इसलिए ध्यान कराई जा रही हैं कि कभी कभी इन्हीं चीजों को याद करके हमको बड़ी स्पष्टता हो जाती है। आने वाले मार्च के प्रथम सप्ताह में कभी भी आचार संहिता लग जाएगी, और उसके बाद चुनावी प्रचार अभियान करते हुए कौन से फेज में हरियाणा का चुनाव होगा ये तो चुनाव आयोग बताएगा, लेकिन मई के मध्य तक चुनाव सब देश में हो जाएंगे, और तीसरे सप्ताह में जैसे पिछली बार चुनाव का परिणाम निकला था चुनाव परिणाम निकलेगा, और मई के आखिरी 10 दिनों में पुनः तीसरी बार सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी बनेगी, वो सारा खाका अपने सामने तैयार है। अब इसके लिए मैं कहूंगा कि 2014 से लेकर 2024 तक 10 वर्ष में भारतवर्ष की दिशा तय हो गई है। देश की आजादी हमको 1947 में भले मिल गई, लेकिन कांग्रेस के शासन में देश की जनता को दिशा नहीं मिली थी कि किधर हम जा रहे हैं। खुशी हम मनाते रहे कि हाँ आजाद हो गए, आजाद हो गए, आजाद हुए भी हैं, लेकिन देश को प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है, देश को दुनिया में नाम करना है, विश्वगुरु बनना है, तो उसकी दिशा तय नहीं हुई थी मित्रों। वो दिशा अब आकर के इन 10 वर्षों में तय हुई है, एक मजबूत नींव डाली गई है, और देश की आजादी को जब 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 में, तो इस 25 साल के कार्यकाल को हमने अमृत काल इस रूप में उसकी संज्ञा दी है कि 25 साल का जो कार्यकाल हमारे लिए अमृत काल है, और 2047 में यह देश विकसित देशों की श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाए, यह हमारा टारगेट है। कि जनता को आज पता लग गया लोकतंत्र ये होता है, जनता अच्छा भला बुरा अपना सब सोचने लग गई है, कोई कुछ भी पार्टी बोलती है उनको सब विश्वास है लोगों को कि कौन पार्टी क्या बोलती है, इसकी भविष्य की योजनाएं क्या है, नीतियां क्या है, इनकी उपलब्धियां क्या है, इनसे क्या हमको लाभ हुआ है, आज देश की जनता जान चुकी है, हरियाणा की जनता जान चुकी है। विपक्ष अपने हथकंडे अपनाएगा, हर प्रकार का लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया पर भी करेंगे, जाकर के मीडिया अखबारों में भी, टेलीविजन पर भी, सभाओं में भी, और कुछ लोगों को बहकाने का काम लोभ लालच दे करके भी करेंगे। जो समाज के अंदर ऐसे प्रभावी भूमिका निभाने वाले, जिनको हम प्रभावी वोटर कहते हैं, की वोटर कहते हैं, उनके माथे में भी जाके चीजें डालेंगे, सरकार के काम में रोड़े अटकाएंगे। अब हमने भर्तियों के बारे में जब कहा कि हमारे यहाँ पिछले 10 साल में कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा भर्तियां हुई हैं, 1,10,000 भर्तियां, गरीब परिवार के व्यक्ति का भी घर से व्यक्ति उठा करके नौकरी करने आ गया, उसके माँ बाप को सपने में भी नहीं आता था सरकारी नौकरी लेगा, उसको भी नौकरी मिली, समाज प्रसन्न है। आगे 60,000 भर्तियां और पाइपलाइन में है, अगले 2-3 महीने के अंदर सब पूरे होने वाली हैं, लेकिन इनको पच नहीं रही बात, और जब पचती नहीं है तरह तरह के रोड़े अटकाने का काम, कोर्ट में जाकर के खड़े होने का काम, आखिर कोई व्यक्ति जाता है और जो भी कुछ उल्टे सीधे बयानबाजी वहां करके और वकील को खड़ा करके स्टे मिलने का काम बड़ा आसान हो जाता है। मैंने एक संज्ञा दे दी अभी कि ये भर्ती रोको गैंग बहुत तिलमिलाट हो रही है, कि हमको भर्ती रोकने का गैंग बता दिया, अरे गैंग है ये, रोजाना सोच समझ करके ट्वीट करते हैं, तो एक ही बात को लेकर के इनके सब नेता ऊपर से नीचे लेके एक ही बात का ट्वीट करते हैं, एक ही बात का ट्वीट, ताकि जनता पर इसका जाए। मुझे मालूम है जनता समझदार है, जागरूक है, उनको पता है, और कोर्ट भी हमारी हर बात के ऊपर मोहर लगाती है। कोर्ट ने पिछले दिनों में कहा
कि जो 5 अंक गरीब परिवारों को या जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है उनको देने का काम किया है, ये सराहनीय काम है। इससे बढ़िया समाज के अंदर और अच्छा काम कोई हो नहीं सकता। ऐसे गरीब परिवार को 5 अंक दे करके स्पेशल नौकरी में आगे ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों को अडॉप्ट करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ बैठे होंगे, गाँव के अंदर लाल डोरा नाम से जो कंसेप्ट बना हुआ था कि लाल डोरा में आप मालिक नहीं हैं, वो जमीन की मालिक पंचायत होती है, आप तो केवल रहने की सुविधा है आपकी। ठीक है, आपसे खाली भी कोई नहीं कराएगा, लेकिन मलकियत नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपके नाम से जमीन नहीं है। हमने आने के बाद लाल डोरा समाप्त किया और ये कहा कि पंचायत को जो आदमी यहाँ रहता है ग्राम सभा की बैठक करो और उनके नाम रजिस्ट्री करा कर उनको मालिक बनाओ। और मुझे खुशी है उस योजना को प्रधानमंत्री जी ने उठा करके सारे देश में लागू करा दी, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। एक कंसेप्ट भूटान में चलता है हैप्पीनेस इंडेक्स, यहाँ प्राइस इंडेक्स तो चलते हैं, महंगाई इंडेक्स तो चलते हैं, यहाँ शेयर बाजारी का इंडेक्स तो चलता है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स ये क्या होता है? समाज में लोगों में खुशी कितनी है, कितने उनकी संतुष्टि की दर है? ये भूटान जैसा देश उसने कई साल पहले लागू किया था। आदमी अमीर गरीब होने से दुखी सुखी नहीं होता है, उसका मन का संतोष ये कैसे होता है? आज अमीर आदमी भी दुखी बहुत देखे हैं और गरीब भी कई बार तो ताण के सोता है। उसका सुख, उसका रहन सहन का तरीका, उसको सरकारी सुविधाओं का लाभ कैसे मिलता है, परेशानियां कितनी होती हैं, यह आसानी से मिल जाता है। आज हर चीज के लिए हमने कहा कि घर में उसको जो सुविधाएं सरकार की योजनाएं हैं उसको घर में बैठ के मिलनी चाहिए। कोई भी 60 साल का बुजुर्ग हो जाता है, पहले पर्ची ले जाता था अर्जी, और फिर उसके दरखास्त देता था, फिर जाके उसकी फाइल बनती थी, सालों साल भटकता था। आज हमने तय कर दिया कि परिवार पहचान पत्र में अगर 60 साल की उम्र हुई अगले ही दिन उसके घर में एक कोई ना कोई व्यक्ति सरकारी पहुंच जाएगा, एक फार्म पर साइन कराएगा, 1 महीने के बाद उसके घर में 3,000 रुपये पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। कभी सोच सकते थे क्या? तो भाई बहनों, मेरा आपसे यही आह्वान है कि आज वोटों की अपील के लिए हमको घर घर जाना होगा और जाकर के अपनी बात कहना, उसकी बात सुनना। अच्छा तो यह कि पहले सामने वाले की सारी सुनो। कुछ कार्यकर्ता स्वभाव होता है कि जाएंगे अपनी अपनी बात कह देंगे और कह के आ जाएंगे, हम अपना काम कर आए। ऐसा नहीं करना, सामने वाले की सुननी है। सुनने के बाद फिर उसका लेवल कहाँ है वहां से बात शुरू करनी है। रटा रटाया ऐसा नहीं है कि हमने बात शुरू की, हाँ हाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं और ये चुनाव है, ये कैंडिडेट है, ये कमल का निशान है, ये करना वो करना, वोट देना, अच्छे जम जा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई ओवर कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो बड़ी कठिनाई में हम फंस जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आप मोदी जी के होते हुए कहा जीते पड़े हैं जी, मोदी जी है तो समझो 10 की 10 जीत गए जी। मैं अगर ये मान भी लूँ कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, लेकिन आपके लिए जीत हार आपका अपना बूथ, आपका नाम शक्ति केंद्र, वो अगर जीते हैं तो समझो सब जीत पक्की आपके नाम लिखी जाएगी। वरना 10 की 10 जीतने के बाद भी जीत का श्रेय आपका बूथ हार गया तो आपको जीत का श्रेय नहीं मिलेगा। इसकी जानकारी सब रखते हैं। हर एक कार्यकर्ता के ऊपर उसकी सुपरविजन करने वाले मेरे ऊपर भी हैं। आज मैं यहां कुछ बोल रहा हूं या मैं कुछ काम कर रहा हूं किसी को पता नहीं, ऐसा नहीं है। कल ही मोदी जी का सुबह से फोन आया मुझे 8:30 बजे सुबह। मैं गाड़ी में बैठा था, कहीं जा रहा था, मेरे पीए ने कहा कि दिल्ली से फोन आया है। वो अननोन कॉलर आईडी होती है तो पता लग जाता है कोई महत्वपूर्ण फोन है। वहाँ से फोन आया कि पीएम साहब बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है, सब उतारे गाड़ी में से, बात सुनी, एक ही बात, क्या स्थिति हरियाणा की? मैंने कहा बढ़िया है, 10 सीटों में से कितनी अच्छी है, कितनी मध्यम है, कितनी कमजोर है। मैंने कहा जी एकदम विश्लेषण तो मैं करके इस समय फोन पर क्या बताऊं, लेकिन एक विश्वास दिला रहा हूं कि हम 10 की 10 सीटें जीत करके आपकी झोली में डालेंगे। कल सुबह 8:30 बजे की बात। तो ऊपर भी सब चिंता हर एक को है, हर सीट की है, हर प्रदेश की है, तो वही चिंता हम सबको भी अपने अपने दायित्व के हिसाब से करनी है। कंप्यूटर गोड़ी पर 50% सब्सिडी, किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए।
जिंदल कंपनी, कैथल।